कई समय आए थे ओयो बुक कराने, क्योंकि हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फिलहाल गाइस मैं रेडी हो चुका हूँ। आज जा रहे हैं हम प्रीतमपुरा स्टूडियो में ही, आज स्टाइलिंग है तो वहीं पे जाएंगे। आज दीपिका मेकअप आर्टिस्ट है तो उनके पास जाना है, तो आज का मैं ब्लॉग दिखाऊंगा। तो काफ़ी दिनों, अब थोड़ा सीजन डाउन हो गया सारे, अभी लास्ट बुकिंग है सीजन की। बीच बीच में एक दो बुकिंग है तो दूर दूर है, काफ़ी टाइम गैप है। तो मैं रेगुलर जो चल रही थी ना उसमें लास्ट स्टाइलिंग है, तो मैं आपको फिर दिखाता हूँ। तो गाइस अब मैं रेडी हो गया हूँ फिलहाल, अब मैं अपना सामान पैक करके तो आपको नीचे मिलता हूँ। संदीप मेरा दोस्त है, उसको लेके जा रहा हूँ। तो आज पांच स्टाइल है शायद, तो पांच स्टाइल में क्या होता है कि जल्दी जल्दी करना पड़ता है ना, तो क्लाइंट को भी जल्दी होता है थोड़ा सा। तो मैंने सोचा चलो एक हेल्प के लिए दोस्त को लेके चलता हूँ, तो मैं सामान पैक कर रहा हूँ, चलो फिर आपको फिर। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं, हमने स्कूटी लगा दी है और हमें यहाँ नीचे जाना है। तो ये हमारा आज का स्टूडियो, ये देखो पीछे लिखा है मेकअप बाय दीपिका। इसके बिल्कुल सामने ही हमारी एकेडमी पड़ती है, तो ये हमारी एकेडमी है और नीचे बेसमेंट में हमारी एकेडमी है। ये मस्त हो रहा है। और चीज़ और बताता हूँ, जो ये जहाँ पर ये एकेडमी हमारा स्टूडियो है ना, ये इनके ऊपर ना मकान मालिक रहते हैं, और ये इतने अच्छे बंदे हैं, इतने अच्छे बंदे हैं। इन्होंने देखो क्या बोलते हैं डॉग्स के लिए ना, तो कितनी अच्छी जगह अपने मतलब अच्छा जुगाड़ कर रहा है, मस्त एकदम। और ये खाना भी यहाँ भी देते हैं, और इस मॉर्निंग में और डिनर मतलब कि खाना ये दे के भी आते हैं जगह जगह स्कूटी से। और तो ये काफ़ी देखो सारे यहाँ पर बैठे रहते हैं, ये देखो ये बहुत प्यारा है, इतना प्यारा है, अगर मैं बैठूँगा तो मेरी गोद में आके सर रख देता है। ये देखो नीचे ये यहाँ पर चल के बेसमेंट में, तो बेसमेंट में पड़ती है। नाच नचा दे ओ मेरे तू दुश्मन होना दुश्मन कैसे, तू मेरा रोज कम लिटिल क्लोज, तू मेरा रोज कम लिटिल क्लोज। तो गाइस अब मैं वेट बाहर आ चुका हूँ दोबारा से, क्योंकि अब नीचे ना लाइट गई और पता नहीं लाइट कितनी देर में आएगी। क्लाइंट भी नहीं आया है तो इस वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लाइंट आता और लाइट चली जाती तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम होती। तो अभी मैं ऊपर बैठा हूँ, तो देखते हैं वेट करते हैं ऊपर, क्लाइंट आएगा फिर नीचे चल देंगे। और लाइट भी नहीं है तो नीचे क्या करेंगे, बेसमेंट वैसे दे रहा होता है, तो इसलिए मैं ऊपर ही बैठा हूँ अभी। तो गाइस हम आए थे ओयो बुक कराने के, वहाँ पर लाइट नहीं आई 5 दिन से पहले, तो क्लाइंट आने वाले हैं। हमने सोचा चलो ओयो में एक बार पूछ लेते, ये तो बहुत महंगे मांग रहा है, हमने 3-4 घंटे के लिए ये 3,000 रुपये मांग रहा है, फिर हम जाने लगे तो 2,000 रुपये बोल रहा है। तो अभी देखते हैं जो मेकअप आर्टिस्ट है वो देखते हैं क्या बात करते हैं। तो अभी मेकअप आर्टिस्ट के पास चलते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा, बताते हैं आपको। तो गाइस अब हमारा प्लान चेंज हो गया है ना, हम ओयो में जा रहे हैं हम, और यहाँ पर तो लाइट है ही नहीं, तो इसलिए हम जा रहे हैं अपने जो फ्रेंड है हमारी हिमानी मेकओवर्स, तो वो सर मेरे घर के पास है, तो वहीं जा रहे हैं। मैं स्कूटी लेके जा रहा हूँ, तो मैं वहीं से मेकअप स्टाइलिंग ख़त्म करके अपने फिर घर आ जाएंगे। तो लाइट तो लग रहा है 5-6 बजे तक आएगी नहीं, क्यों फ़ोन करके पूछा था, वो कह रहे थे 2-3 घंटे लगेंगे, तो क्लाइंट को भी लेट होगा, तो इसलिए बढ़िया हम वहाँ चल रहे हैं। और ओयो वाला तो वैसे बहुत चार्ज मांग रहा है, वहाँ पर मस्त भी है और खुला भी स्पेस है, मतलब चेयर मिरर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गाइस अब हम आ चुके हैं सेक्टर 16, और ये मेकअप मिस्ट्री मेरे पीछे देख रहे हो, ये है, तो मैं आपको दिखा दूँ नीचे से। ये सैलून है, फ्रेंड का पहले से यहाँ पर मेकअप चल रहे हैं, तो हम ज़्यादा लाउड नहीं बोल सकते हैं, क्लाइंट डिस्टर्ब होता है। ये रास्ता ऊपर ये सेक्टर 16 में पड़ता है, ये इनका हेयर सेक्शन है, तो कंफर्टेबल रहता है काफ़ी, स्टूडियो में तो काफ़ी कंफर्टेबल रहता है, यहाँ पर चेयर अब कोडिंग होती है और स्विच भी होता है। पास तो आना ना कभी मुझे छोड़ के जाना, ओ मेरे तू आशिक रहना आशिक रहना, ओ सजन रे पास तो आना ना कभी मुझे छोड़ के जाना, ओ मेरे तू आशिक रहना, ओ तू मेरा रोज कमल लिटिल क्लोज, तू मेरा रोज कमल लिटिल क्लोज। तेरी आज दाए रात राय
घूमो राउंड घूमो ऐसे घूमो राउंड 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 और घूमते रहो घूमते रहो। तो गाइस अब हम फ्री हो चुके हैं तो घर के लिए निकलते हैं। ठीक है आना हो सेक्टर 16 में। तो ये बहुत अच्छा मेकअप करती हैं, इनका नाम हिमानी है, उनका मेकअप मिस्ट्री के नाम से स्टूडियो है। बहुत अच्छा मेकअप करते हैं, एक बार ट्राई करना अगर कोई आसपास रहता है तो। एक बार कराओगे ना तो हमेशा ही इनके पास आओगे, इतना अच्छा मेकअप करते हैं ये। तो गाइस अब मैं घर आ चुका हूँ, तो बताना आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना गाइस। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।